प्रदेश के झांसी जिला से आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जिलाधिकारी आंद्रा वामसी के आकस्मिक मऊरानीपुर नगर पालिका की गौशाला का निरीक्षण किया। उक्त दौरान जिलाधिकारी ने बताया, पूर्व में नगर पालिका द्वारा गौशाला में कराए गए निर्माण कार्य सहित अनेक आरोपों के साथ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसकी जांच चल रही है। उसी जांच को लेकर आज नगर पालिका परिषद द्वारा संचालित गौशाला का निरीक्षण किया गया। विधायक बिहारी लाल आर्य ने सपा के पूर्व विधायक रश्मि आर्य व नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर जमकर आरोप लगाए। वहीं समाज के सम्मानित लोगों ने गौ हत्या को लेकर प्रशासन से उक्त मामलों में सही जांच की मांग की है। उक्त दौरान पूर्व में तैनात नगर पालिका अधिशासी अधिकारी श्रीमती कल्पना शर्मा से भी जिलाधिकारी ने पूर्व निर्माण की जानकारी ली। उन्होंने बताया, उक्त जांच हेतु एक जांच टीम गठित कर दी गई है। साथ ही गौशाला में चल रहे नवीन निर्माण कार्य पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया है। मऊरानीपुर नगर पालिका जो गौशाला में जो गायों की मौत हुई है, इसकी वजह क्या रही है? वजह ये हुई कि नगर पालिका परिषद द्वारा 13,800 गोवंश गौशाला में रखे गए थे, लेकिन जो भी उनकी मौत हुई है, भूख प्यास से अधिकांश मौतें हुई हैं। गौशाला में जितनी क्षमता थी, क्षमता से ज़्यादा उसमें गौवंश रखे गए। उसमें गाय थे, बैल थे, बछड़े थे। ये जो जानकारी जहाँ तक है, जनता द्वारा जो बताया जा रहा है, इसमें 4,000 बड़े बड़े सांड थे। 15 जनवरी से के बाद 20 जनवरी तक जो 13,800 गौवंश रखे गए, सांड आपस में लड़े। उसकी वजह से कम 2-3 दिन में ऐसा बताते हैं कि 1,000 गायों की मौत हो गई थी। उनको वहाँ गड्ढे खोदकर वहीं दफना दिया गया था। इसके बाद ये सारी नगर पालिका परिषद के चेयरमैन, अच्छा अधिकारी या डॉक्टर रश्मि आर्य या जयप्रकाश पप्पू सेठ, उन सबकी जिम्मेवारी है कि जो 300 गाय 12 अप्रैल 2017 को बची थी, जिसका संज्ञान क्षेत्र की जनता ने लिया था, उसके सामने ये बात उजागर हुई थी, ये उनसे पूछा जाए और जांच में वो दूध का दूध पानी होगा कि कितनी गायों की तस्करी हुई है और कितनी गायें उनको खाने नहीं दिया गया, उनको उचित मात्रा में भूसा और खाने की व्यवस्था नहीं की गई। इस कारण से गायें काफ़ी दुर्बल हो गई और उनकी लगातार दिन प्रतिदिन मौत हो गई। उन मृत गायों को लगभग, जहां तक ऐसी जानकारी है कि 6,000-7,000 गाय जो 60 बीघा में बृहद गौशाला बनाई गई थी, उसमें गड्ढे खोदकर, ऐसा बताते हैं कि एक एक गड्ढे में 2-2 से 100-100 डेढ़-डेढ़ से गाय वहाँ दफन है। जो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को इसमें हमने लिखित शिकायत की है, उसमें सांसद श्री अनुराग शर्मा जी, विधायक राजीव पारीछा जी, विधायक श्री जवाहरलाल राजपूत जी और मैं स्वयं मुख्यमंत्री से मिलकर इसमें अनुरोध किया है कि इस घटना का हर कीमत पर उजागर होना चाहिए। इस घिनौने कृत्य का पूरी तरह से उजागर होना चाहिए और जो इसमें दोषी हैं उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, उनको जेल के सलाखों में होना चाहिए। ये इस विधानसभा क्षेत्र की जनता की मांग है। भाई साहब, जो मऊरानीपुर नगर पालिका में की गौशाला का निरीक्षण हुआ है, इसमें गायों को लेकर बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, इसमें क्या कहेंगे भाई साहब? चर्चा का विषय तो जब से उन्होंने गौशाला बनाई तभी से है, अपार भ्रष्टाचार और जिस तरीके से गाय क्षेत्र से इकट्ठी की और जो उन गायों के साथ जो करीब 4,000 सांड आए उनको कसाईयों द्वारा बेचा गया, इस सारी चीज़ों पे अच्छी जांच होना चाहिए। हमारे जो अधिकारी हैं ऊपर के, जो हमारी सरकार है माननीय योगी जी की, हमें ऐसा विश्वास है तो उसको बड़ी ईमानदारी से इसकी जांच करवाएंगे और जिन लोगों ने ये कार्य किया है नगर पालिका अध्यक्ष ने,
उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और हमारा ये कहना है कि अगर वो कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, तो अगर उनके पास 13,000 गाय थी तो 15 दिन के बाद ये गाय जो 400-500 गाय बची आखिर उनने किन किसानों को दी, वो अपना बताएं कि इन किसानों को हमने ये गाय दी। बस आज जो डीएम साहब ने निरीक्षण किया है उसमें क्या जांच पाई गई है? हमने जो मऊरानीपुर सर नगर पालिका में सर अचानक दौरा हुआ, सर क्या उद्देश्य रहा सर? यहाँ की जो गौशाला की जो निर्माण है और हमारी MRF फैसिलिटी का निर्माण है, और साथ में गौशाला पे जो शिकायत हो रही है उसकी जो वर्तमान में जो रिकॉर्ड्स हैं हमारा तो ठीक ठाक ही है, कोई समस्या नहीं, लेकिन पुरानी चीज़ जो भी है उसको अध्ययन करने के लिए एक टीम गठन करके अध्ययन करा रहे हैं। सर क्या पाया गया, सर कुछ कमियां पाएंगे सर इसमें? अब तो हमने यही आदेश दिया था कि यहाँ पर बारिश को देखते हुए ज़मीन की लेवलिंग अच्छी तरह से कराना है, और जो नया गौशाला हमारे तैयार हो रहे हैं 500 गाय की कैपेसिटी वाले, उसको शीघ्र पूरी करना और MRF फैसिलिटी को भी शीघ्र पूरी करना है।